आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और देखिए, इससे पहले मैंने हिंदी इलेक्टिव का बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है, लेखक का नाम है मोहन राकेश। मैंने आप लोगों को कल ट्रिक भी बताया था, वहां पर मैंने हर एक चैप्टर का जो भी मतलब लेखक है या फिर कवि जो है, हर एक चीज को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाइए ना प्लेलिस्ट में, हर एक चीज आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा और आप लोग हर एक चीज को आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है। तो यहां पर देखिए, एक्चुअल में इसमें मतलब परिवार के बारे में हर चीज यहां पर है कि जो भी परिवार होता है, मतलब अपना शौक एकदम जो भी होता है ना, एकदम छुपके छुपके मतलब अपना शौक पूरा करते हैं, आंच भी नहीं आने देता है, इस प्रकार से यहां पर ये चीज बताया गया है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा, पारिवारिक। ठीक है, ये पारिवारिक एकांकी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है। और ये जो प्रश्न है जैकबोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर स्टार्टिंग टाइम में यहां पर जो है वह परंपरावादी स्त्री जैसा उनको लग रहा है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फटाफट नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्या है कि अंडे के छिलके एकांकी में कितने पात्र है। तो कुल मिलाकर इस मतलब इस चैप्टर में 6 पात्र है, 6 करेक्टर है। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फटाफट आप लोग नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या है, देखिए क्या है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के, अंडे के छिलके एकांकी में नारी पात्रों की संख्या कितनी है। नारी यानी कि यहां पर कितने लेडीज करेक्टर है आपको बताना है। तो यहां पर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी यहां पर अंडे के छिलके जो चैप्टर है हमारा, इसमें 3 महिला पात्र है। ठीक है, मतलब 3 महिला करेक्टर है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या देख सकते, बिना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है, कितना अंडा मांग रहा है यहां पर आपको बताना है। तो उनके देवर से वे 6 अंडे मांगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अंडा यहां पर मांगता है, इसलिए यहां पर इसका 6 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या देख सकते हैं कि बीना और गोपाल, ठीक है, बीना और गोपाल के मध्य क्या संबंध है, यानी बीना और गोपाल में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो यहां पर ये जो दोनों है ये पति पत्नी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्याम अंडे किसमें रखकर लाता है। ठीक है, जो श्याम है वो अंडे को किसमें रखकर लाता है आपको बताना है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बरसाती की जेब में। ठीक है, बरसाती की जेब में अंडे को मतलब रखकर वह लाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बीना और राधा के मध्य क्या संबंध है। तो बीना और राधा के मध्य का जो संबंध था क्या था, वे दोनों देवरानी जेठानी थी। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमको यहाँ पर दिया गया है कि बीना कहाँ तक पढ़ी है। जो चैप्टर में ये जो अंडे का जो छिलका वाला ये हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पर जो दिया गया है कि बीना कहाँ तक पढ़ी है आपको बताना है। तो जो बीना है या बीए तक पढ़ी, यानी कि बीए पास थी। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती थी। ऑप्शन है कि गीता, रामायण, महाभारत, चंद्रकांता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रकांता। ठीक है, यहां पर चंद्रकांता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहां पर दिया गया कि राधा के पति का क्या नाम था, माधव, गोपाल, श्याम या फिर राम। ठीक है, तो 12 के यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माधव मतलब नाम था। राधा के पति का क्या नाम था, तो मतलब माधव नाम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 13 यहां पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि बीना और राधा की सास का क्या नाम था, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। देखिए बताना है कि कौन सा यहां पर नाम सही हो जाएगा। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, उनका क्या नाम था, यमुना नाम था। तो 13 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर हमें दिया गया है कि राधा ने छिपकर किसको सिगरेट पीते देखा था, किसको देखा था, श्याम को, राम को,
गोपाल को या फिर माधव को। तो यहाँ पर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोपाल को। गोपाल को राधा यहाँ पर सिगरेट पीते हुए छिपकर देख लिया था। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमको जो दिया गया है कि श्याम और राधा के मध्य क्या संबंध था। श्याम और राधा का बात हो रहा है। तो श्याम और राधा यहाँ पर जो इनको दोनों के बीच संबंध था क्या था, देवर भाभी का यहाँ पर संबंध था। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमें जो दिया गया है और ये जो प्रश्न है जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर 16 का जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एकांकी अंडे के छिलके में श्याम को भाई भाभी के कमरे में क्या एहसास हुआ। तो वहां पर उनको परायेपन का एहसास होता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए आप लोगों का जो जैसे कि यहाँ पर जो चैप्टर में जो अभी आप लोगों का जैसे लेखक का नाम जो है ये सब आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक थोड़ा समझा देता हूँ, देख लीजिए जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह, क्या नाम है, ईदगाह, ईदगाह, और ईदगाह का जो मतलब लेखक है लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, आप लोग याद किस प्रकार से रखिएगा। देखिए ईद जो होता है, ईद हमारा प्रेम का त्यौहार है, तो यहां से आप लोग बोलिएगा प्रेमचंद। तो ईदगाह के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। एक हमारा चैप्टर जिसका नाम है दोपहर का भोजन, क्या नाम है, दोपहर का भोजन। तो देखिए यहां पर क्या है, भोजन है, जो अधिक से अधिक भोजन करेगा वह क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमर। तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा अमरकांत। मतलब भोजन ज्यादा से ज्यादा करिए तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो अमरकांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा चैप्टर इसका नाम है टॉर्च बेचने वाला, क्या नाम है, टॉर्च बेचने वाला, टॉर्च बेचने वाला। अब देखिए जो टॉर्च होता है, टॉर्च का लाइट अगर हम लोग मारेंगे ना तो क्या होता है, परछाई बनता है। क्या बनता है, परछाई बनता है। तो यहां से आप लोग याद रख सकते हैं इसके जो लेखक का नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। क्योंकि परसाई परछाई आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, टॉर्च में जैसे हम लोग टॉर्च मारेंगे लाइट मारेंगे तो वहां से एक मतलब परछाई बनेगा, तो इसका आप याद रख सकते हैं परसाई। हमारा जो आगे जो है हमारा जैसे कि यहां पर हमारा जो एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या नाम है, गुंगे जो चैप्टर है इसके मतलब लेखक का नाम है रांगे राघव। क्या नाम है, रांगे राघव इसका नाम है। देखिए गुंगे इसको पढ़िए तो गुंगे गे आ रहा, गई गुंगे, तो गे से गई हो जाएगा, तो गई इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। गुंगे यानी गुंगे का क्या हो जाएगा, रांगे राघव इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग हर चीज को करिएगा। और देखिए आप लोगों का जैसे कि मतलब कुछ कुछ जैसे है आप लोगों जैसे आलेख हो गया, फीचर हो गया, संचार, जनसंचार, ये सब आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप लोग थोड़ा बहुत पैसेज भी देख लीजिए और आप लोगों का जो मॉडल पेपर है मॉडल पेपर को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे ना तो आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आएगा। और मैंने अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड कर दिया आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अभी भी आपको जिस भी टॉपिक का या फिर जिस भी चैप्टर्स का पर्टिकुलर वीडियो या फिर ट्रिक चाहिए आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर या फिर उसी चीज के ऊपर वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।